इंडिया की बेस्ट वेज पुलाव की मेकिंग दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कसम से आपको मजा ही आ जाएगा। वेज पुलाव की मेकिंग दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है और इसमें खूब सारा बटर और प्याज डाल के, शिमला मिर्च डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें डाली जाती है इनके सीक्रेट वाली ग्रेवी, जो कि अलग अलग मसालों से बनी होती है। इसे अच्छे से पकाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें खूब सारे जो है मसाले डाले जाते हैं। कम से कम भैया बताते हैं हमें 8 से 10-12 मसाले होते हैं, जो इनकी अलग अलग वैरायटी के यूज़ करते हैं, जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और भी बहुत सारी मसाले होते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो टेस्ट है ना दोस्तों, वो मसाले की वजह से बहुत ही अलग आता है और जो वेज पुलाव है दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आज आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा। आप डाले जा रहे हैं इसमें चॉप टमाटर, जो कि पहले से ही काट के रखे गए थे। इसे ग्रेवी में डाल के अच्छे से इसे मिक्स करा जाएगा, तब जाके इसमें बहुत सारी वेजिटेबल डाली जाएंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हैं मैशर की मदद से, ताकि जो साबुत टमाटर है वो अच्छे से मैश हो जाए और इसकी ग्रेवी बन जाए बढ़िया सी, तब जाके इसमें बाकी की चीज़ें डाली जाएंगी। तो देखिए भैया का जो काम है ना करने का, वो बहुत ही यूनिक तरीका है। आज से पहले दोस्तों आपने वेज पुलाव तो बहुत सारी जगह खाया होगा, लेकिन यहाँ का जो बनाने का तरीका है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए पनीर और मटर डाल के भी अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। तो ये फ्रोजन वाले मटर होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे थोड़ी देर पकाने के बाद दोस्तों इसमें डाली जाएगी खूब सारी वेज पुलाव, जो कि पहले से ही बना के रखी गई थी। इसमें खूब सारी सोयाबीन और इसमें राइस है, अच्छे से भैया ने इसे फैला दिया है और इसको अब मिक्स करेंगे। जो ग्रेवी रेडी करी गई थी उसे बढ़िया से मिक्स करेंगे, ताकि जो टेस्ट है वो प्रॉपर आए। तो इनका तरीका देखिएगा दोस्तों, यहाँ बिकने वाली जो वेज पुलाव है, और जगह वेज पुलाव बिकती है उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ये देखिए जो बटर है वो इसमें भी कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बटर डालेंगे। तो भैया क्या क्या रेट रहता है इसका प्लेट का? फुल 90 होती है, 50। अच्छा फुल 90, 50। और कितने बजे लग जाती है दुकान यहाँ पे? यहाँ पे 4:30 बजे लग जाती है। 4। इसमें डाल दिया गया स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसे मिक्स करने का जो तरीका है वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा। और इस तरह की अगर आप वीडियो कहीं देखते हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस तरह की कहीं और वेज पुलाव मिलती है, तो हम वहाँ वीडियो करने ज़रूर जाएंगे। और इनका तरीका देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में, और इतनी सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद दोस्तों एकदम हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, खा के दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा। मेरे को तो मुंह में पानी आ रहा है। तो इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा होता है। और ये देखिए भैया ने ऊपर से धनिया डाल के गार्निश कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसे निकाला जाएगा पतीले के अंदर, और ये पतीला आप देख रहे हो, जो पतीला है पूरा का पूरा ही भरने वाला है। और दोस्तों इस तरह की वेज पुलाव अगर आप भी खाना चाहते हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। दोस्तों कम से कम ये 150 किलो वेज पुलाव बनी है, और ये एक बार ही तैयार होती है और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बनती है, तो आप सोच ही सकते हो उसका टेस्ट कितना यूनिक होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, तो अब आपको लगवा के दिखाते हैं यहाँ पे प्लेट, और प्लेट लगेगी और प्लेट लगने के बाद आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए प्लेट हमारी रेडी होने जा रही है। भैया ने चटनी के साथ प्याज डाल दिया, और साथ में डाली जाएगी वेज पुलाव, जो कि देख सकते हो कितना लजीज लग रहा है देखने में ही, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। साथ में डाली गई भाजी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।